और भी लोग जो हैं उनसे बातें करते हैं. लाइक वी मेंशन, दिस इज वन ऑफ द बिजिएस्ट प्लेसेस, बिजिएस्ट फूड स्टॉल्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, विच इज वाई इवन एज यू नो देर आर पीपल सीटेड हियर, पीपल कंटिन्यू टू लाइन अप हियर. मिसल पाव हॉट हॉट अर्ली इन द मॉर्निंग इज द ब्रेकफास्ट दैट द पीपल ऑफ कोल्हापुर आर रियली लुकिंग फॉर. इनसे भी बात करते हैं. आपको यहाँ पे कैसा लग रहा है, इलेक्शन कैसा चल रहा है? कोल्हापुर जैसे ही गर्मी का माहौल बहुत है, जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे इलेक्शन का माहौल भी गर्म होता जा रहा है. और फिलहाल कोल्हापुर में महाआघाड़ी गठबंधन जिसको बोला जा रहा है, वो महाआघाड़ी गठबंधन और महायुति शिवसेना, शिवसेना के कैंडिडेट और कांग्रेस के कैंडिडेट आमने सामने खड़े हैं. तो देखा जा रहा है कि आरोप प्रत्यारोप और गर्मा गर्मी से माहौल भी गर्म होता जा रहा है. फिलहाल कोल्हापुर में शाहू जी महाराज का जो भी आगे चल रहे प्रचार के दौरान भी आगे चल रहे हैं, लोगों का मानना है कि कांग्रेस की सीट चुन के आने वाली है और लोग इसी तरह से खुद प्रचार की डोर हाथ में संभाले हुए शाहू जी महाराज का प्रचार कर रहे हैं. तो यहाँ पे जैसे आपने बोला शाहू जी महाराज जी का वैसा गुडविल है कि लोगों ने देखा है कि उनके पूरे परिवार में यहाँ पे कितना कंट्रीब्यूशन है, तो लोग उनको कैंडिडेट को देख के वोट करेंगे कि कांग्रेस पार्टी है कुछ बदलाव चाहते हैं ये देख के वोट करेंगे? देखिए पहली बात तो ये है कि शाहू जी महाराज जो है राजर्षि छत्रपति शाहू जी महाराज के वंशज है. ये जो आगे वारिस उनका जो आगे जो काम चला रहे हैं उनको देख के लोग उनको वोटिंग करेंगे. ना तो वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं इसके लिए वोट करेंगे, ना तो वो बाकी किसी और पार्टी के उम्मीदवार हैं इसके लिए वोट करेंगे. फिलहाल कोल्हापुर में समाज कारण के अंदर ज्यादा से ज्यादा काम करने वाले शाहू जी महाराज हैं. कभी कोल्हापुर में कई वायलेंस होता है, कई बाढ़ आती है, कई किसानों का आंदोलन चलता है, तो ये शाहू जी महाराज जो हैं ये सड़क पे उतर आते हैं, लोगों में घुल मिल जाते हैं, उनके जो भी उनकी समस्या है उनको दूर करने के लिए खुद का पैसा लगा के काम करते हैं. तो ना ही इनके पार्टी को देख के कोई यहाँ पे वोटिंग नहीं करेगा. फिलहाल कांग्रेस पार्टी उनको सपोर्ट कर रही है, फिर भी आशा है कि कोल्हापुर से कांग्रेस की सीट चुन के आएगी. अच्छा, ये पूछना चाहूंगी कि कुछ लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि वो महाराज जी हैं, उनको हमारे मतलब यू नो आम जनता का प्रॉब्लम नहीं पता है, तो आप बोल रहे हैं कि वो ऐसे राजा हैं, पीपल्स किंग हैं, जिनको सब कुछ पता है, उन्होंने ऑलरेडी इलेक्शन में आने से पहले भी लोगों के लिए काम किया है, तो उनको पता है यहाँ पे क्या है? देखो 10 वर्ष पहले से जो भी सत्ता चल रही है देश के अंदर उसके खिलाफ जाके कई ऐसे कई घटनाएं कोल्हापुर में वारदातें घटी हैं, जिससे व्यथित होकर शाहू जी महाराज ने निर्णय लिया है कि वो राजनीति में आएंगे. इससे पहले भी वो आ सकते थे. कहीं बोला जा रहा है कि शाहू जी महाराज को कांग्रेस ने राज्यसभा पे क्यों नहीं लिया, लेकिन ये वो दौर नहीं था. लेकिन आज फिलहाल ये दौर चल रहा है कि शाहू जी महाराज को राजनीति में आना पड़ा. वाकई ऐसा है कि कोल्हापुर की जो परिस्थितियां हैं, ना तो सड़कें अच्छी हैं, ना तो यहाँ पे कोई विकास के काम चल रहे हैं, ना तो कोई बड़ा प्रोजेक्ट कोल्हापुर में आ रहा है. कोल्हापुर पर कैपिटा इनकम सब में ज्यादा देने वाली सिटी है. ये डिस्ट्रिक्ट में कोल्हापुर हरियाली वाला डिस्ट्रिक्ट है, गन्ने की उपज ज्यादा है और उसके वजह से यहाँ पे 18 शुगर फैक्ट्रीज हैं और उसकी वजह से सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम देने वाली ये कोल्हापुर सिटी है. और इस ज्यादा इनकम देने के बावजूद कोल्हापुर पिछड़ा सिटी के अंदर आता है. तो इसकी वजह से शाहू जी महाराज इन बातों से व्यथित हो गए. ना ही यहाँ पे कोई विकास के काम आ रहे हैं और ना ही कुछ बाकी चीज हो रहा है, तो इसके वजह से शाहू जी महाराज राजनीति में आ रहे हैं. राजनीति में आ गए क्योंकि उनको आना पड़ा इतने 10 सालों के बाद, लेकिन यहाँ पे उनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है, तो फिर यहाँ पे शिवसेना का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा? देखिए जो शिवसेना के कैंडिडेट हैं यहाँ पे उनके पिताजी बहुत सालों से राजनीति में थे. कोल्हापुर ने उनको सराहा, कोल्हापुर के लिए उन्होंने काफी अच्छा काम किया, कोल्हापुर में विकास की गंगा लेके आए ऐसा बोले तो भी ना मतलब कुछ कम नहीं है. सदाशिवराव मंडलिक उनका नाम था, उन्होंने एमएलए से लेके सांसद तक काम किया, कोल्हापुर में बहुत अच्छा काम किया. उनके बेटे, उनका जब शरद पवार से कुछ अनबन होने के बाद उन्होंने निर्विरोध भी यहाँ पे चुनाव लड़े और वो चुन के भी आए, लोक नेता के नाम से वो जाने जाते थे. वही अपेक्षा उनके बेटे संजय मंडलिक से भी थी, लेकिन कोल्हापुर के अंदर जब वो चुनाव जीत गए उसके बाद उनका जो संपर्क टूटा, उसके बाद वो कहीं पे नहीं दिखे. 5 सालों के बाद वोट मांगने के लिए आ गए
और वो विकास के मुद्दों पे बहुत भारी बातें भी करते हैं, लेकिन ना तो वो सामने दिख रहे हैं ना लोगों ने उनको कभी 5 सालों में देखा है, तो फिर वो नाराजगी रहेगी. इंटरेस्टिंगली वाइल इन सेवरल प्लेसेस पीपल ऑल्सो थिंक ऑफ द नेशनल इश्यूज, हु इज गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर, व्हाट इज द डेवलपमेंट वर्क दैट हैज बीन डन बाय द गवर्नमेंट, इन महाराष्ट्र मेनी ऑल्सो थिंक ऑफ द रीजनल फैक्टर्स एज वेल, टॉकिंग अबाउट यू नो वेदर इट इज ब्रेकिंग अप ऑफ द पार्टीज, द इमोशंस दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर इन महाराष्ट्र, द लोकल इश्यूज दैट दे स्पीक ऑफ एज वेल. आपको क्या लगता है यहाँ इलेक्शन कैसा चल रहा है, आपको आप किस पार्टी से खुश है? मैं पार्टी का नहीं, मैं शाहू महाराज को ही मतदान करूंगा. अच्छा, तो पार्टी नहीं, देखिए वो कांग्रेस पार्टी से लड़ रहे हैं तो पार्टी नहीं, लेकिन उनका नाम यहाँ पे है, उन्होंने जो काम किया है वो देख के वोट करेंगे. नहीं, मैं शाहू महाराज का ही हो, कोल्हापुर में शाहू महाराज का ही चलती चलेगी, इधर बाहर का मोदी की चलती नहीं चलेगी, इधर ये शाहू का नगरी है, शाहू का ही आदमी को वोट मिलेगा, शाहू के लिए इधर मोदी भी खड़ा रहेगा तो शाहू जीत जाएगी. ऐसा क्यों, उन्होंने यहाँ पे उनके कई वर्षों से उनकी पूरी फैमिली ने जो कंट्रीब्यूशन किया है वो लोगों को हमेशा याद रहता है. उनके पूर्वजों ने यहाँ राधा नदी का धरन बांधा है, इसलिए यहाँ को सबको लोगों को पानी मिलता है. अभी इधर का शाहू महाराज ने वो इधर मैदान है, शाहू मैदान, उधर का फुटबॉल का महाराष्ट्र के सबसे बड़ा टूर्नामेंट इधर होते है, और शाहू महाराज की फैमिली आपकी वो हर रोज उधर बैठ के वो सामना देखते, इसीलिए शाहू महाराज की जो सुनाई त्या घरोघरी तो फिरता था, आणि त्यांचे 2 मुलं आहेत, ते 1 नंबर काम करतात. तो वो लोगों से भी मिलजुलते रहते हैं, लोगों के लिए वो इधर, मैं क्या बोला, इधर मोदी खड़ा रहेगा तो शाहू महाराज ने वैसा काम किया है. सो दैट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट कमिंग इन. द स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट ऑफ द बीजेपी ऑल्सो कांट विन फ्रॉम हियर बिकॉज शाहू जी महाराज जी हैज डन द काइंड ऑफ वर्क दैट दे हैव हियर इन दिस कॉन्स्टिट्युएंसी अक्रॉस दीज एरियाज एंड फ्रॉम जनरेशन टुगेदर, विच इज समथिंग दैट द पीपल हियर कैन नॉट फॉरगेट. आपको क्या लगता है यहाँ पे इलेक्शन कैसा चल रहा है, शाहू जी महाराज जी जो लड़ रहे हैं इलेक्शन में उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, जब आप वोट करेंगे एक प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये सोच के वोट करेंगे? जी, किंग इज ऑलवेज किंग, किंग ही है वो. लेकिन हम लोकसभा के इसमें देख रहे हैं तो फिर लगता है कि उसके अकॉर्डिंग ही जाएंगे, सोचना तो उसके अकॉर्डिंग ही लगेगा. प्रधानमंत्री देश का कौन बनेगा ये सोच के वोट डालेंगे? जी हाँ, वही सोच के वोट डालेंगे. तो यहाँ पे इतने सालों में जो काम हुआ है उससे खुश है कि आपको लगता है कि कुछ और होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए महाराष्ट्र में, जो चेंजेस आ गए हैं 2019 से अब तक उससे क्या आप खुश हैं कि आपको लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था पार्टीज को? यस, लगता है, लेकिन अब ये डेवलपिंग होना चाहिए, डेवलप तो होना ही चाहिए. बहुत सारे मतलब ये है, फाइनेंशियल है या फिर अपना डेवलपमेंट है, वो होना ही चाहिए. केन सर, योर डिनर. ऑन अ टाइल, अरे इट्स एंटीबैक्टीरियल. इजी टू क्लीन. पर प्लेट्स केन भाई, इट्स अ थाईलैंड. आईएम प्लस टेक्नोलॉजी से बने वर्ल्ड क्लास टाइल्स, टाइल हो तो सिंपल हो.